कानपुर नगर के बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में आज जुमे की नमाज के बाद से कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेके जब आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के जो जिस संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद था, स्थिति को नियंत्रण करने की का प्रयास किया और घटना के तुरंत बाद ही वहां पुलिस आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पे पहुंचकर आवश्यक बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी एक प्लाटून बीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने वहां उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उपद्रवियों के साथ साथ जो षड्यंत्रकारी हैं उनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त वहां के सभी अमन पसंद लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें तथा हमारा उपद्रवियों को पहचानने में हमारी मदद करें। इसके अतिरिक्त वहां के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि राउंड द क्लॉक पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी लगे तथा हर हालत में शांति व्यवस्था बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश शासन तथा उत्तर प्रदेश पुलिस किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देगी।